गुड मॉर्निंग फैमिली, ये नहाकर आ गए हम भी चले। हम सो के उठे थे और लुका नाश्ता हो रहा है। कुछ बोलना चाहती है? ये देखिए घर से फोन आया है, किट्टो जी बतिया रहे हैं। आज किट्टो जी का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब भाई बहन का फोन आया है, देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये है मेरा कंगन, गोल्ड लगा है और ये 16 ग्राम का है, 16 ग्राम का है और गोल्ड उस। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लेट सोकर उठे हैं। कितना बज रहे? 10:30। देखो रिशा कंबल के अंदर छिप गया है। सोनाक्षी मैडम यहाँ नीचे सोती हैं, आपको पता ही है। इनका बोलना बिस्तर नीचे ही रहता है। और अभी हम जस्ट सोकर उठे हैं और चलेंगे अब काम धाम करेंगे। अब पति देव भी नहा कर आए हैं, देखिए कपड़ा पर पहन रहे हैं। और गुड मॉर्निंग फैमिली, ये नहाकर आ गए हम भी चले। हम सो के उठे थे और थोड़ा काम उम करके उसके बाद दोबारा रिक्शा के पास लेते थे, फिर सो गए, फिर उसके बाद उठे 10:15। अब मैं 10:30 बजे सो के उठी, और दूसरे दिन सो गया तो गया ये सो गया छिप गया। तो चले घर का बहुत सारा काम है, आज संडे भी है, थोड़ा बहुत अच्छे सफाई भी करना है। और फिर उसके बाद मिलेंगे हम आपसे, जुड़े रहिए ब्लॉग के अंदर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देखने के लिए। A few moments later. तो फैमिली में नहा कर आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मौसम देख रहे हैं, धूप वाला है और मतलब धूप छा हो रहा है, सुबह बारिश हुई थी देख सकते हैं। और मैं जा रही हूँ किचन में, अभी कुछ खाए पिए नहीं है, बच्चे वैसे खा पी लिए हैं, सुबह ब्रेड वगैरह सेके थे, चाय बनाए थे, तो अभी किचन में आए हैं, कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन भी बनाऊँगी। देखती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। चल रहे हैं दो चार मेरे पास ये मोबाइल पापा छोड़ के गए हैं। पराठा सेकेंगे और फिर खाएंगे, और फिर उसके बाद अरे ब्यूटी स्टूडियो बनाना है, तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के अंदर, है ना सोनाक्षी? पहले मैं चलती हूँ बना लेती हूँ, आटा डब्बा लेकर आओ अंदर से, थोड़ा सा लेकर आओ, बनाती हूँ, बहुत भूख लगी है। और खाएंगे अचार, आम के अचार से प्याज का पराठा, बहुत मस्त लगता है खाने में। ब्लॉग के अंदर जुड़े रही, मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए हम नहा लिए हैं, नहा कर आ गए हैं। वैसे आज संडे था, बहुत सारे काम थे घर के अंदर, संडे में ज्यादा काम होती है, संडे को ज्यादा काम होती है, तो इसलिए हम काम वम करके साफ सफाई करके कपड़ा वपड़ा धोकर डाल दिए हैं। बीच में बारिश होने लगी थी, फिर कपड़ा अंदर डाले थे, तो बारिश बंद हो गई तो बाहर डाले, तो सब नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। और मैं जा रही हूँ, प्याज का पराठा बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी, खाऊँगी, बच्चे भी खा लेंगे एक दो पीस। जब पराठा वराठा खा लो ना चाय के साथ, तो फिर दोपहर में भूख नहीं लगती है कि खाना कुछ खाएं। रात को जो बनेगा बनेगा, पहले आप लोग भी खाते हैं ये बताइए, जानते हैं इसको ना चाय से खाएंगे ना बड़ा टेस्टी लगता है खाने में, और पेट भी भर जाता है, आपको बिस्किट वगैरह खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चाय के साथ। मुझे ना, मुझे मानो अगर मुझे एक बार सुबह पराठा या ब्रेड वगैरह मिल जाए ना, फिर मैं दोपहर में खाना नहीं मिलेगा वो भी चलेगा। और फिर भी देखो मेरा शरीर कितना मोटे होते रहते हैं। यहाँ हमने थोड़ी सी दूध ले ली है चाय बनाने के लिए, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाँ बेटा, हाँ तुम जाओ, अच्छा चलो निकलो यहाँ से, परेशान करने आ जाते हो जब कुछ करेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है, और सब लोग चाय चाय पी रहे हैं, मुझे लेट हो गया था तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बनाएंगे, 1-1.5 कप बनाएंगे।
इसमें थोड़ा मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ और थोड़ा सा। बेटा चीनी का डब्बा अंदर से लेकर आओ तो। हम नहीं लेते, दरवाजे के पीछे तुमने दोगी। किचन का चीनी खत्म हो गया तो चीनी 5 किलो आता है तो एक्स्ट्रा डब्बा में रखे थे अंदर, तो इसमें चीनी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा मीठा नहीं। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, आटा गूंथ के रखे हैं। यहाँ मैंने आटे कुछ गूँथ लिए हुए हैं और चाय के साथ मैं नमक वाला प्याज वाला पराठा बनाऊंगी और फिर उसके बाद खाएंगे। चाय हमारा एक तरफ हो रहा है और अच्छी तरह मैंने रख दिया है और पराठा हमने बना दिया है और चाय हमने छान रही हूँ और उसके बाद हम खाएंगे। देखिए कुछ पराठे बन गए हैं और जितना मुझे खाना है मैं 2-3 पीस ले लेती हूँ और उसके बाद मैं और रख देती हूँ। वैसे सब लोग सुबह नाश्ता किए थे, मैं ही लास्ट में बची थी, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बाद में हम नहा धो कराएंगे, ताज़ा बनाएंगे, ताज़ा खाएंगे। ये थोड़ा सा चाय मैंने रिसेप के लिए लोग का नाश्ता हो रहा है। कुछ बोलना चाहती है? नाश्ता करते ही नाश्ता के टाइम पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता पानी हो गया है, दोपहर का भी लंच हो गया है और अभी तक देखो मैं मेकअप वगैरह नहीं की हूँ, बिल्कुल सिंपल से तैयार हूँ। मम्मी देखा हमारा वीडियो और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ और देखते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं क्या पहनती हूँ आप लोग के बीच में। और अब लोग सोनाक्षी लोग बोल रहे हैं कि साड़ी पहन लो, कोई बोल रहा है ये पहन लो, कोई बोल रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है आज सूट पहनने का, तो मैं सोच रही हूँ सूट निकालती हूँ। आप लोग बैठ मेरे ये ब्लॉग के अंदर, मैं दिखाती हूँ कौन सा सूट पहनती हूँ। मम्मी का सूट खरीदते हैं हम, अपना ये बैग खोलती हूँ। मम्मी तुम्हारा सूट खरीदते हैं हम, वैसे मैं कपड़ा प्रेस करके नहीं रखती। तुम कब बताएंगे हम कौन सा लाइन? कपड़ा प्रेस करके नहीं रखती हूँ, जब मैं अरे पहनना होता है तब मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि कपड़ा भी प्रेस करके रख दोगे ना तो फिर चुमुड़ जाता है। देखो मम्मी, फिर मैं इसे से अपना कुछ कपड़े निकालू। कहाँ है इसका चैन? ये तो निकाल रही हूँ मम्मी। हाँ मेरा देख रहे वीडियो लाइक तो खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं गाइस, देखो ना। चलो चलो नहीं चलो। हाँ चलो मैं निकालती हूँ, देखती हूँ क्या पहनूं। चलो रखो क्या पहनूं, सब ऐसे देखो रखी हूँ। हम शायद आज मैं क्या पहनूं? हाँ बताएंगे आपको। मैं सोच रही हूँ ये मैरून वाला पहनूं। ये बिल्कुल नहीं, साड़ी नहीं, साड़ी रोज रोज नहीं अच्छा लगता है, इसके नीचे अच्छा नहीं लगेगा, इसके अंदर ये पैजामी है और मैं रखती हूँ इसके नीचे, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये वाला प्लाजो नहीं, मैरून के बैग नहीं पहनती। ग्रीन वाला सूट पहन लो। ये कितनी बार पहन चुके हो? अब ये पहनो। नहीं बेटा, नहीं यही पहनोगी। अरे यार इसको रहने दो, देख लो गाइस ये लोग कलर, ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो, तो ऐसे सब प्रेस करना है अभी। अच्छा डेली वाला कपड़ा तो जैसे उतने रखते हैं अभी, और इसमें कुछ है कपड़े वगैरह, कपड़े साड़ी भी है। साड़ी मतलब साड़ी तो अच्छी लगती है, आपने देखा था कि टिकटॉक पे मम्मी ने यही साड़ी पहन के बनाया था ना, मम्मी ऐसा ये है।
मुंह में क्या चबा रहे यार? कुछ नहीं, खाने नहीं खाई हो? नहीं यार, खाए नहीं खाए। तब और फिर मैं सोच रही आज इसके साथ में मेरे जो हस्बैंड कंगन दिए थे बर्थडे पे, तो मैं पहनी नहीं थी कभी भी, नहीं पहनी थी। आप लोग को मैं दिखा देती हूँ और कंगन है, पहनी नहीं इस साड़ी की, सोच रहे आज पहनने के लिए। नहीं, पहनने के बाद में दिखाऊंगी और बताऊंगी ये कंगन कितने का बना है। ब्लॉग के अंदर जुड़े रहिएगा, फिर मैं बताऊंगी और आज मैं अच्छे से पूरा डिजाइन दिखाऊंगी और आप लोग बता रही हूँ कितने का है। तो अगर आप लोग भी चाहे तो बनवा सकते हैं इसी डिजाइन का सेम, लेकिन प्राइस अभी नहीं बताऊंगी, जब मेकअप मेकअप कर लेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे प्राइस। मेरे हालात ऐसे हैं। और पेटीकोट, पेटीकोट काटने का तो यही रहेगा जी, तुम्हें मंगलसूत्र रहे। ये मेरी सब ऐसे किसी का सब सगाई वगैरह होता है तो फिर ऐसे ही सब मुंह से निकालो। क्या चबा, दिन भर मुंह में चबाते हो, निकालो। तो गाइस ब्लॉग के अंदर जुड़े रहिएगा। अभी देखिए मेरा कैसा फेस लग रहा है, अभी मेरा फेस कैसा लग रहा है, अभी बाद में देखिए मैं कैसी लगती हूँ। आप लोग ब्लॉग के अंदर जुड़े रहिएगा, एक कंगन जरूर दिखाएंगे, बहुत प्यारा है। उस दिन भी हल्का दिखाए थे, आज पूरा दिखाएंगे, सरप्राइज बता देंगे। तो लेडीज लोग बहुत सुनने में बेचैन होंगी, आज बनना बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए मेरे इंस्टा आई डी को फॉलो कर लीजिए, लाइक करना। और मेरा मेकअप कैसे लग रहा है, जल्दबाजी मेकअप की हूँ। उस दिन मेरा चूड़ी निकाल के बस एक अक्खे रेड वाला पहन लिए, ये पहन लिए हैं, ये मेरा कंगन है। तो और देखिए ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मेरा चैन है। फिर चलिए हम जुड़े रहिए ब्लॉग के अंदर, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए घर से फोन आया है, किट्टो जी बतिया रहे हैं। आज किट्टो जी का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब भाई बहन का फोन आया है, देख लीजिए। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे इधर वीडियो शूट कर रही है अपने ब्लॉग के लिए। हाँ क्या करे, कुछ ना कुछ करना पड़ता है देखने के लिए मिलेगा। अरे हाँ यार मैंने सुना नहीं, सॉरी। तो सो गाइज हमने रील्स पे बहुत सारा वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो आप लोग जाइए मेरा शॉर्ट वीडियो देखें। वहाँ पर मैंने 5 वीडियो पोस्ट किया है और ये साड़ी पहना है, मेकअप किया था उसके लिए। और बहुत लोगों का कमेंट था कि दीदी जी, भाभी जी, जो आपको भैया जी आपके बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे और वो कंगन जो था कितने प्राइस का था, उसका डिज़ाइन दिखाइए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं कितने दिन से सोच रही थी कि चलो मैं दिखाती हूँ, उसकी प्राइस बताती हूँ। तो वो कंगन मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ और आप लोग भी देख लीजिए। मैं पहनी हूँ कंगन, वो मैंने ग्रीन कलर चूड़ियाँ जो पहनी थी मैंने अभी निकाल दिया है और मेरा आज मन कर रहा था गोल्ड का कंगन पहनने के लिए, तो मैंने पहन लिया है। कैसा लग रहा है डिज़ाइन, और अभी मैं अच्छे से निकाल कर दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा कंगन गोल्ड का है और ये 16 ग्राम का है, 16 ग्राम का। तो ये कंगन हमारा 85,000 का पड़ा था। तो आप लोग भी अगर बनवाना चाहते हैं तो सेम डिजाइन यही बनवा सकते हैं। तो कोई पूछ रहा था आप इसका प्राइस बताइए, तो एक कंगन कैसा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग भी बनवा लीजिए इस डिजाइन का। डिजाइन में फिर से दिखा देती हूँ, देख लीजिए। और तो अगर आज का वीडियो हमारी कैसा लगा आप लोग को, अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जो नए लोग जुड़े हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को ज़्यादातर शेयर किया करिए। तो हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आप लोग को नया चीज़ लेकर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली।